आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एकदम कम तेल से बनने वाले साबूदाना पराठे की रेसिपी। अगर आप खिचड़ी या फिर साबूदाना वड़ा खा के बोर हो चुके हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कप साबूदाने को अच्छे से धो लेंगे। फिर इसमें एक कप पानी डालेंगे। मैंने एक कप साबूदाने के लिए एक कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें ढक्कन रखेंगे और इस साबूदाने को हम कम से कम 5 घंटे या फिर एक रात के लिए भिगोएंगे। दूसरे दिन आप देखोगे कि साबूदाना अच्छे से फूल चुका है और ये अच्छे से भीगा हुआ है या नहीं, इसके लिए हम एक दाना लेंगे और इसे प्रेस करेंगे। अगर ये आसानी से प्रेस हो रहा है तो फिर हमारा साबूदाना अच्छे से भीग चुका है। और मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। हम इन्हें हाथों से अच्छे से स्मैश कर लेंगे। अगर आप कच्चा आलू लोगे तो पराठा सेकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसलिए फटाफट बनाने के लिए मैंने पहले से ही आलू उबाल के रखे हैं। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके लिया है, 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच नमक, 1/2 कप रोस्टेड पीनट पाउडर। इसे बनाने के लिए हम 1/2 कप मूंगफली के दानों को धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे। ये जब तक लाइट ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हम इन्हें रोस्ट करेंगे। अब ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसके छिलके निकाल लेंगे। आप इस तरह से दोनों हाथों में मूंगफली के दानों को रब करके इनका छिलका निकाल सकते हैं और मूंगफली के दानों को अलग करके ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड कर लें। ये रोस्टेड पीनट पाउडर हमें बाइंडिंग बनाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। हमें एकदम फाइन पाउडर नहीं चाहिए, हमें बस दरदरा पाउडर बनाना है। थोड़ा सा धनिया, कुछ लोग व्रत में धनिया नहीं खाते तो अगर आप खाते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर दीजिए। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और एक डव फॉर्म कर लेंगे। अगर आप हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे तो आप आसानी से डव बना सकेंगे। अब हम इस डव पे थोड़ा ऑयल डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन लेके एक लोई बनाएंगे। पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए एक प्लास्टिक पेपर। मैं यहाँ पे एक जिपलॉक प्लास्टिक बैग यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने दोनों साइड से काट लिया है। अब हम इसमें थोड़ा ऑयल लगाएंगे ताकि पराठा इस पे चिपकेगा नहीं और इस तरह से अपनी उंगलियों से दबा के हमें इस लोई को पराठे का शेप देना है। ज़्यादा पतला नहीं बनाना, अगर आप ज़्यादा पतला बनाओगे तो पराठा जल्दी टूट जाएगा, इसलिए ज़्यादा मोटा भी नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं, आपको एक मीडियम थिकनेस पराठे की रखनी है। अब हमारा पराठा तैयार है। एक पैन को ऑयल या फिर घी लगाएंगे। अब हम इसे प्लास्टिक पेपर से निकाल लेंगे अपने हाथों पे और ये पराठा उस पे सेकेंगे। आपको 4 से 5 मिनट तक एक साइड सेकनी है, उसके बाद इसे हम पलट देंगे और दूसरी साइड भी हम 3 से 4 मिनट तक सेकेंगे। आप चाहो तो ऊपर से थोड़ा ऑयल भी लगा सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप कम ऑयल का खाना चाहते हो तो ये स्किप करें। अब हमारा पराठा अच्छे से सेक के तैयार है। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। इसी तरह से हम बाकी के पराठे बना लेंगे। आप इसे दही के साथ या कोई भी चटनी जो आप उपवास के दिन बनाते हो उसके साथ खा सकते हैं। आप कुछ ऐसी तरह से चटपटे और कुरकुरे साबूदाना फिंगर्स भी बना सकते हैं।
इस रेसिपी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।